नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सटीक बात न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। आज हम आपको बता दें, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लगातार प्राकृतिक खेती को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हैं। मंगलवार को इसको लेकर वे कुरुक्षेत्र गुरुकुल में पहुंचे। उन्होंने प्राकृतिक खेती में होने वाले फायदों के बारे में बताया। जानकारी दी कि 15 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपनी टीम के साथ गुरुकुल के फार्म पर 200 एकड़ में की गई प्राकृतिक खेती के मॉडल को देखने के लिए पहुंच आएंगे और 16 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के कई मंत्री विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय से रिसर्च टीम के साथ आएंगे। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसान की आय में वृद्धि होगी और लागत मूल्य का कम आएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अब लगभग 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। यह एक सरकारी आंकड़ा है जो किसान पंजीकृत है। किसानों की संख्या इससे भी ज़्यादा है। वहीं अगर बात गुजरात की जाए तो गुजरात में भी यह आंकड़ा 2.5 लाख से ऊपर पहुँच चुका है। और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में कृषि विश्वविद्यालय में भी प्राकृतिक खेती को लेकर सिलेबस को शामिल किया जाएगा, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार की कर दी गई है और नीति आयोग के मुख्य सलाहकार की देखरेख में यह सिलेबस तैयार किया गया है। वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। हर कोई जानता है कि मौजूदा समय में रासायनिक खेती से हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती को बचाना होगा। उस मॉडल को देखने के लिए यह लोग यहाँ पर आ रहे हैं ताकि पूरे भारत में इसका विस्तार किया जा सके।